कोरोना जैसी महामारी के बीच आज पूरे देश में नाग पंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा अर्चना तथा जलाभिषेक करते हैं। वहीं श्रावण मास में पड़ने वाले इस त्यौहार की मान्यता है कि शेष नाग, जिनका निवास बैकुंठ में है, जो भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, उनके सिर पर महत्वपूर्ण पृथ्वी का भार है। वहीं वासुकी नाग को भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया है। भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण और महाभारत में भी नागों की उत्पत्ति और नाग पूजा का वर्णन है। पंचमी है और यहाँ काशी बाबा का मंदिर है जी। क्या महानता है काशी बाबा का? यहाँ काशी बाबा का महानता है कि ये अपने से निकलते हैं, सारे भक्त हम लोग इनको सेवा में लग जाते हैं, रामायण कीर्तन स्टार्ट हो जाता है, ये कब निकल जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इस मंदिर की क्या महानता है? इस मंदिर का महानता है कि यहाँ काशी बासदीनाथ बाबा दोनों हैं, दो भाई थे, यही गोली खेल रहे थे, कौड़ी खेल रहे थे, उन्होंने अपने जो है कि कौड़ी घुस गया बिल में, तो एक भाई निकाले तो उनको नाग दस दिए, तो फिर दूसरा भाई कहीं के हटो हम निकालते हैं, जब दूसरा भाई निकाले तो उनको भी दस दिए, ये लोग रात में ख़त्म हो गए। उसके बाद इनका कार्य होने के बाद अपने परिवार में कहें कि मैं देव बन गया हूँ, हमारे कोई स्थान दो, मैं आपकी गांव मोहल्ले को विकास करूँगा। तो यहाँ के सारे परिवार मिल करके यहाँ काशी बाबा का मंदिर बनाया गया है। एक सूर्य भगवान भी उनके साथ में हैं, एक ब्रह्म बाबा हैं जी। आपके काशी बाबा यहाँ साक्षात निकलते हैं, हो सकते हैं आज 4-5 बजते बजते शाम होते होते निकल जाएंगे, कभी तो 6 बजे सुबह से ही निकल जाते हैं, 2-4 दिन भी रहते हैं, 1-2 दिन भी रहते हैं। हम लोग सारे भक्त मिल करके इनका सेवा में लगे रहते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं, अपने से दूध लावा पीते हैं, हम लोग अपने हाथों में लेकर के इनको दूध लावा पिलाते। एक तरफ भागलपुर जिले के लोग जिले में बढ़ रहे वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से भयभीत हैं। वहीं दूसरी ओर भागलपुर की सड़कों पर उतरकर एक योग गुरु के द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए योग की शिक्षा देना आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। योग गुरु राजेश कुमार भगत भागलपुर के कचहरी चौक, तिलकामांझी चौक, स्टेशन चौक सहित सभी चौक चौराहों पर घूम घूम कर सड़क पर योग कर वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए योग अपनाने की शिक्षा लोगों को देते दिख रहे हैं। भागलपुर तिलका मांझी संडिस कंपाउंड में खुद भी करते हैं और लोगों से जागरूक करते हैं। आप कर रहे लोग योग कर रहे हैं, लोग को बता रहे हैं कम से कम आप लोग भी कीजिए और स्वस्थ रहिए। योग कीजिएगा तो आपके शरीर में कोरोना लाखों दूर रहेंगे, लाखों कदम दूर रहेंगे योग से। योग करिए, हर निरोग बचिए एकदम।